नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। झारखंड के गुमला में भाकपा माओवादियों ने निर्माणाधीन थाना भवन को बम लगाकर उड़ा दिया। घटना चैनपुर अनुमंडल के कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र की है। विस्फोट में भवन को काफी नुकसान पहुंचा है। नक्सलियों ने 3 दिन का बंद बुलाया है। इस दौरान बंद के अंतिम दिन गुरुवार देर रात को बम लगाकर थाना भवन को उड़ा दिया गया। घटना के समय नवनिर्मित थाना भवन में 7 मजदूर सो रहे थे। भाकपा माओवादियों का दस्ता वहां पहुंचा और आवाज देकर दरवाजा खुलवाया। इसके बाद 7 मजदूरों को बाहर निकालकर थाना भवन को बम लगाकर उड़ा दिया। नक्सली मजदूरों को 2 किलोमीटर दूर बैर टोली तक अपने साथ ले गए, फिर दोबारा काम नहीं करने की धमकी देकर छोड़ दिया। मजदूरों ने बताया कि नक्सलियों की संख्या करीब 150 से 200 के बीच थी। घटना के बाद मजदूर कुरुमगढ़ थाना पिकेट में आकर मामले की जानकारी दी। माओवादियों द्वारा किए गए विस्फोट से पूरा इलाका थर्रा उठा। विस्फोट की आवाज करीब 2 किलोमीटर तक सुनाई दी। घटना से पूरे इलाके में भय का माहौल है। घटना की जानकारी मिलने के बाद गुमला SP सहित कई पुलिस अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हुए। करीब 12 बजे घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे इलाके की घेराबंदी कर डॉग स्क्वाड PDF की टीम की मदद से पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया गया। SP ने घटना के बारे में मजदूरों से जानकारी ली। SP डॉक्टर एहतिश्याम वकारी ने बताया कि रात 12 बजे के करीब नक्सलियों के द्वारा गुरुवार को थाना भवन को बम लगाकर उड़ाया गया। पुलिस नक्सली बंद को लेकर पहले से ही जगह जगह पर नक्सल विरोधी अभियान चला रही है। नक्सलियों ने घटनास्थल पर पर्चा भी छोड़ा, जिसमें केंद्रीय पुलिस ब्यूरो सदस्य व PRB सचिव कॉमरेड प्रशांत बोस उर्फ किशन दा और उनकी पत्नी शीला मरांडी की गिरफ्तारी के विरोध में घटना को अंजाम देने की बात लिखी है। बता दें कि सब जोनल कमांडर बुद्धेश्वर उड़ाव के मारे जाने से माओवादी बौखलाए हुए हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।